साईं राम, मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं साईं जी का भी शुक्राना और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्राना, बाबा के आशीर्वाद और आप लोगों के सहयोग से जो मेरा चैनल है आज वो 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है। ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ है और मेरे एक सपना पूरा हो गया, जिस सपने के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। आप जानते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता था YouTube के बारे में, ना फंक्शन, ना कुछ आईडी बनाना। मेरे बच्चे भी यहाँ नहीं रहते, दिल्ली रहते हैं, तो मैंने YouTube से सीख सीख के अपना चैनल बनाया, अपने वीडियो बनाए और आप लोगों ने पसंद किया। आपका फिर से शुक्रिया। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर मन में हिम्मत हो, लगन हो, तो आप जरूर मंजिल तक पहुंचते हैं। शुरू में बहुत कम व्यूज़ थे पर हिम्मत नहीं हारी, लगी रही कि एक दिन तो मुकाम तक पहुंच जाऊंगी। ना भी पहुंची तो कुछ लोग तो मेरी बात सुन रहे हैं ना, मैं अपने दिल की बात, जो बाबा की बातें हैं, उन लोगों तक पहुंचा रही हूं। और देखो, बाबा के आशीर्वाद से आज मैं मुकाम तक पहुँच चुकी हूँ और मेरी पहली पेमेंट भी आ चुकी है। मैं तो ये कहती हूँ कि बाबा ने अपनी झोली में से मुझे खजाना दिया है और बाबा जैसे आज्ञा देंगे मैं उस खजाने को वैसे वैसे ज़रूरतमंद लोगों में उपयोग करूँगी, क्योंकि बाबा की दया से मेरे पास बहुत कुछ है। मेरे हस्बैंड का काम अच्छा, मेरे बच्चे बहुत अच्छे सेट है। मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी, अब जो ये पैसा है ना, जिसको भी ज़रूरत हो ना आप उसमें लगाना। और हाँ, कभी कभी खर्च कर लूँगी क्योंकि ये मेरे पापा ने मुझे जेब खर्ची दी है। और आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को पसंद करते रहें और मुझे आगे बढ़ाते रहें। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत मत हारें। अगर लगन है, हिम्मत है, तो आप एक दिन ज़रूर मुकाम तक पहुँचोगे और पापा भी आपकी मदद करेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में भी बहुत परेशानी के दौर गुजारे हैं। मैं अगर आपको ये संदेश देती हूँ तो ये समझो कि मेरी ज़िंदगी के बीते हुए संदेश हैं, कोई बातें नहीं हैं काल्पनिक। बहुत दुख थे ज़िंदगी में पर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, मेहनत बहुत की, सारा दिन लगी रहती थी। और मुझे अपनी मेहनत, बाबा के आशीर्वाद से आज देखो मेरी ज़िंदगी में बहुत सुख है। और मैं कभी डिप्रेशन में भी नहीं गई, कभी चिंता भी नहीं गई। चिंता से ज़्यादा मैं सोचती थी कि मेहनत कर लो, दुनिया आपको नहीं उठा कर देगी। मैं देखो बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैंने MA, BEd, MPhil भी किया है, पर जो मेरा सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस था, तो किसी भी प्राइवेट स्कूल में इतनी इसकी सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट नहीं है, ना कोई ट्यूशंस मिलती हैं, तो मैं गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगी। सब किस्मत का चक्कर होता है पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने पार्लर का सीखा, पार्लर खोला, ये नहीं सोचा कि लोग कहेंगे कि इतनी पढ़ी लिखी होकर और बहुत अच्छे घर की। मुझे पार्लर में ज़्यादा कमाई नज़र आती थी तो मैंने वो पार्लर खोला, कभी शर्म नहीं की मेहनत से। और मेरी मेहनत, मेरी लगन, और देखो आज पापा के आशीर्वाद से हम सब लोग बहुत अच्छे सेट हैं। तो एक दिन सबका आएगा, अगर दुख हैं तो सुख भी आएंगे, जैसे मेरी ज़िंदगी में सुख आए हैं, पर वो मेरी धैर्य और श्रद्धा से। पापा पे श्रद्धा भी थी और सबूरी भी थी और सच्चाई और मेहनत सब कुछ था, उस वजह से मेरी ज़िंदगी में अच्छे दिन आए। तो इसलिए आप मत घबराया करें, हमेशा आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, एक दिन आप ज़रूर मंजिल तक पहुँचेंगे। बस आज इतना ही, आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, मुझे आगे बढ़ाते रहें, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में मेरे जो सपने हैं कि मैं लोगों की जितनी मदद कर पाऊँ मैं कर सकूँ। ओम साईं राम।